नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर की। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक फिर से डिफॉल्ट किया है कंपनी ने, एक नहीं दो बैंकों के हैं बल्कि। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं लगातार अपडेट लेके आ रहा हूँ इस पे। और पिछले दो महीने में इन्होंने लगभग दो डिफॉल्ट और कर चुके हैं, जो लास्ट मंथ है मैं उस पे वीडियो लेके आया था। यहाँ पर फिर से इन्होंने डिफॉल्ट किया है। दूसरा चीज़ ये इन्फॉर्म कर रहे हैं, द कंपनी इज़ क्लोजली वर्किंग विद इट्स लेंडर्स टुवर्ड्स अचीविंग डेट रेजोल्यूशन प्लान। तो ये मतलब कुल मिला से एक बार में डेट को ख़त्म करने का प्लान बनाने में लगे हुए हैं कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन आए या प्लान मिले जिसके तहत सारी चीज़ें हो पाएँ। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये 31 जुलाई का अपडेट है, यहाँ पर BSE और NSE को लिखा है। ऑपरेटर्स खूब सारे एक्टिव हैं और लेकिन चार्ट में एक आपको कप और हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट आने पर आपको ऊपर का मूवमेंट भी दिख सकता है, लेकिन ऑपरेटर्स अभी पिछले एक दो दिनों से एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको नीचे भी आ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा कुछ आपसे डिस्कस करेंगे, सब कुछ बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ, बच के रहिए, नहीं तो अपने आप कैपिटल गंवा बैठेंगे, ठीक है। और यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं डालता हूँ और अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर कर देता हूँ। अभी फ्यूचर बुक से संबंधित दो बड़ी न्यूज़ आई थी उन पे डाला है, ठीक है। रिलायंस के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, गाला ग्लोबल, ये तो सर खैर रिक्वेस्टेड वीडियो हैं। आप जैसे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी उनको मैंने कंप्लीट पूरा किया था, तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नेम ऑफ डेट ऑफ मेकिंग डिस्क्लोजर 31 जुलाई को उन्होंने डिस्क्लोज किया है ये सारी चीज़ें। नेम ऑफ लिस्टेड एंटिटी यहाँ पर आपको रिलायंस पावर दिख रहा है, किस तरह का लोन था, टर्म लोन था, और नेम ऑफ द लेंडर्स यानी कि किसने लोन दिया था इनको, यानी कि किसका पैसा अदा करना था। एक DBS बैंक है और दूसरा है एक्सिस बैंक। यहाँ पर डेट ऑफ डिफॉल्ट क्या है, 30 जून 2023 को। करंट डिफॉल्ट अमाउंट ये देखिए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में ब्रेकअप करके इन्होंने कहा है कि बताइए आप। तो यहाँ पर DBS बैंक का देखिए, प्रिंसिपल का लगभग 63 लाख है और इंटरेस्ट लगभग 1,26,00,000 है। वहीं हम लोग एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल लगभग 7,53,00,000 का बचा हुआ है और इंटरेस्ट लगभग 2,06,00,000 का बचा हुआ है। तो ये मोटा मोटा अच्छा खासा यहाँ पर डिफॉल्ट का ये अमाउंट है, जो पिछली बार 1,25,00,000 का था, वहाँ पर ये आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टोटल ऑब्लिगेशंस वगैरह बताई हैं कि क्या है, कितना इनका, देखिए 110 करोड़ का है लगभग टोटल DBS बैंक का, और एक्सिस बैंक का लगभग आपको 49 करोड़ दिख रहा है। और यहाँ पर सारा टाइम लिखा हुआ है, टेन्योर है, इंटरेस्ट रेट है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ये इन दोनों बैंकों का है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितनी है, टोटल इनके ऊपर अभी लगभग 560 करोड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर टोटल फाइनेंशियल इंडेटनेस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, मतलब इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, यहाँ तो केवल लोन के थ्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ओवरऑल टोटल इनके ऊपर है डेट वगैरह जो दिख रहा है, वो यहाँ पर आपको पता है 724 करोड़ का है। रिलायंस कैपिटल जो है वो पूरी तरीके से दिवालिया हो चुकी है, और उस पर मैंने भी थोड़े दिन पहले वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे प्रमोटर्स की, तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, वो जानते हैं आप, यहाँ पर 24.9% का स्टेक है यहाँ पर। बाकी FII आपको देखने को मिल रहा है 1% है यहाँ पर, HUF है पब्लिक, और यहाँ पर DIA LIC का 2.8% का स्टेक है इसमें, समझ रहे हैं बात को। तो ये एक अच्छी चीज़ है फिलहाल, लेकिन जब ये अगर ये जब निकलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा कुछ दिनों बाद जब ये निकल चुके होंगे और सारी चीज़ें हो गई होंगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ऑपरेटर्स एक्टिव हैं। यहाँ पर HRTI प्राइवेट लिमिटेड भैया देखिए, 16.15 रुपये में खरीदते हैं, फिर उसके बाद 16.20 रुपये में बेच देते हैं। देखिए अच्छे खासी क्वांटिटी में शेयर खरीदे हैं ये, तो 23 लाख शेयर खरीदे, 22 लाख 10 शेयर खरीदे, तो यही करते हैं इन लोग। तो गाइस थोड़ा मार्जिन लेके क्या कहते हैं, बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका वॉल्यूम इन्फ्लेट कर देते हैं, और उस वॉल्यूम के चलते यहाँ पर खूब सारे लोग आ जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं, देखिए सिटाडेल है यहाँ पर 27 जुलाई 28 जुलाई एकदम लेटेस्ट है ये, अभी पिछले एक दो दिनों में नहीं दिखा आपको। यहाँ पर देखिए सिटाडेल HRTI, ठीक है, और ये देखिए 27 जुलाई 24 जुलाई, तो आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर एक्टिव है। ये देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर उठाए जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं, तो इन लोग थोड़े थोड़े पैसों का मार्जिन लेके निकल जाते हैं और वॉल्यूम इन्फ्लेट कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए इनके इस शेयर के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात कर लें। देखिए जिनके पास शेयर है नहीं है मैं सब बताऊँगा अभी आपको, ठीक है, जल्दीबाजी मत करिएगा। यहाँ पर एनुअल रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव मामला है, और ये वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ तो जनरली यही सारी चीज़ें मैं मैक्सिमम डिस्कस ही कर देता हूँ। क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करेंगे तो नेगेटिव आपको दिख रहा है, एनुअल प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है इस मामले में। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस मामले में प्रॉफिट पॉजिटिव दिख रहा है। स्टॉक प्राइस 32.7% बढ़ चुका है ना, तो इस मामले में भी ये पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल।
पी रेशियो के मामले में आपको नेगेटिव दिख रहा है, डेट टू इक्विटी नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव, म्यूचुअल फंड होल्डिंग के मामले में न्यूट्रल, प्रमोटर शेयर होल्डिंग के मामले में न्यूट्रल, न्यूट्रल के खराब ही है, 25% है केवल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर 0.9 पे है, और प्रमोटर प्लेजेज आर 0, तो कोई प्रमोटर होल्डिंग जो है वो प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखिए रिटर्न अच्छे खासे दे चुके हैं, 3 महीने में देखिए, 6 महीने में 29%, 1 महीने में 17%, 1 FD आपको एक साल में 6.5 से 7% के बीच में रिटर्न देती है, और यहाँ पर इतना अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल चुका है, तो ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में, तो मेरे हिसाब से बुक करना चाहिए आपको, ठीक है। इसके पहले 25 पे जाके फिर नीचे आया था, आपने आपको पता ही होगा, 3 साल में 398% रिटर्न फिलहाल इसने दिए हुए हैं। वॉल्यूम की बात करें और डिलीवरी की, तो देखिए 14 करोड़ का वॉल्यूम इसने कल जनरेट किया है, यस्टरडे यानी कि उससे पहले का ट्रेडिंग सेशन जो है वहाँ पर आपको 14 करोड़, 1 वीक एवरेज 15 करोड़, 1 मंथ का एवरेज 16 करोड़। अब यहाँ पर देखिए डिलीवरी परसेंटेज, अब देखिए जो ये डिलीवरी परसेंटेज ये रिटेलर से उठा रहे होंगे ज़्यादातर, तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वहाँ पर, क्योंकि आपने पीछे भी देखा कि ऑपरेटर वो तो खरीद रहे हैं सेम डे और सेम डे बेच के निकल जा रहे हैं, तो वो तो मामला इंट्राडे में है आ जाता है। तो यहाँ पर 25.39% है परसों की, यानी कि जो कल के ट्रेडिंग सेशन थे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में, 1 वीक का एवरेज अगर आप देख पा रहे हैं 26%, 1 मंथ का एवरेज 21%, तो 21 से 25 के बीच में लगभग परसेंट के बीच में लगभग रोड डिलीवरी उठाई जाती है, तो वॉल्यूम फिलहाल अच्छा खासा जनरेट करता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ से एक कपर हैंडल वाला पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर ये जो लेवल है ये वाला ब्रेकआउट अगर जाता है, यानी कि मेरे हिसाब से अगर आप 17.5 से ऊपर निकलता है ये, तो फिर आपको और एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो शॉर्ट और मिड टर्म के लिए एक मोमेंटम ट्रेड के लिए एंट्री करना चाहते हैं, वो 17.5 रुपये के ऊपर क्लोज देती है जब कैंडल, वहाँ पर आप एंट्री करेंगे और उसके बाद आपको अच्छा ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो आपको फर्दर नीचे फिर से आपको ये 12 रुपये वाले लेवल पर आता हुआ देखने को मिल सकता है, 12 से 13 रुपये वाले लेवल पर आता हुआ, ठीक है। और अगर आपको देखिए आपने देख लिया कंपनी डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट कर रही है, हर महीने में लगभग वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है, एक सबसे बड़ा रिस्क तो है ही है, कब कोई कंपनी, अभी कब कोई बैंक यहाँ पर NCLT चली जाएगी और एक केस एक एप्लीकेशन डालेगी और उसके बाद फिर सीधा क्या कहते हैं इंसॉल्वेंसी हो जाएगी, एडमिट हो जाएगी, फिर उसके बाद IRP चलेगी और इनके जो जितना भी इनका पूरा वो मैनेजमेंट है वो सब खत्म हो जाएगा और IRP के हाथ में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक रिस्क है, आपको पता ही है, इनकेस आपको लगता है कि हाँ पैसा बन सकता है, ठीक है, तो आप उतना ही पैसा लगाइए, ना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो, बाकी तो आप समझदार ही हैं। खैर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा, जनरली मैं सभी को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और गाइस आई एम नॉट अ सेवी रेस्टर एनालिस्ट, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद।